करके इस कार्यक्रम को मैंने डॉक्टर पीयूष जुनेजा जी से कहकर के अरेंज कराया है। मैं चाहता ये हूं कि आज की इस वैश्विक महामारी के दौर में आयुर्वेद का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इस संदर्भ में हम लोगों को जागरूक करें, यह हमारा दायित्व बनता है। जैसा कि अभी जुनेजा जी ने आपसे कहा कि COVID-19 इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ द सेंचुरी और एज WHO हैज ऑलरेडी हाइलाइटेड दिस इंपॉर्टेंट थिंग कि दिस वायरस विल नॉट गो, यू विल हैव टू लिव विद द COVID-19 एज वी आर लिविंग विद द HIV और सो मेनी अदर वायरसेस इन द कम्युनिटी। देन ओनली क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम सच टाइप ऑफ द डेडेड वायरसेस। वी आर सिंपली नॉट गिविंग द आंसर ऑफ अ पर्टिकुलर वायरस कंसर्न ओवर हियर। आयुर्वेद इज द की टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिफरेंट वायरल डिसीजेस, डिफरेंट बैक्टीरियल डिसीजेस। एनी टाइप ऑफ द पैथोजन मे कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ द डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बॉडी। तो वॉट वी कैन कंट्रीब्यूट, दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस ओवर हियर। डियर फ्रेंड्स, एज यू ऑल आर अवेयर कि देयर इज नो क्योर of this particular disease. All the physicians world over, they are working day and night, working hard to search out some remedy for the management of such type of the deadly disease. Still they are not successful. Even there is no vaccine because of the mutating effect of this particular virus. Ye der ki baat hai कि हमारे सामने कोई वायरस वैक्सीन आए, क्योंकि हमारा देश के साथ साथ अन्य देश लगातार प्रयास कर रहे हैं इसकी वैक्सीन लाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। इस संदर्भ में आपने देखा कि सो मेनी थिंग्स आर ऑलरेडी द फिजिशियंस आर ट्राइंग, दे आर द प्लाज्मा थेरापी, एंटी मलेरियल थेरापी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, सिमिलरली एंटोरेट्रोवायरल थेरापी, इस सबका कॉम्बिनेशन, सबका प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसी के इस तरह के परिणाम अभी सामने नहीं आए जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वी कैन गेट रिड फ्रॉम दिस वेरी प्रॉब्लम। नाउ द क्वेश्चन इज, वंस देयर इज नो एनी एस्टेब्लिश्ड प्रूफ टू ट्रीट सच दिस डिसीज इन द वेस्टर्न मेडिसिन और एनी अदर सिस्टम ऑफ द मेडिसिन इन द वर्ल्ड, व्हाई नॉट वी कैन go through the pages of Indian medicine, that is Ayurveda, which is supposed to be the ancient most system of the medicine. As you know, ke Vedas are the first written testimony of knowledge. Ayurveda is supposed to be Upaveda of Atharveda. That's why it's already proved that it is the ancient most system of the medicine. Now the question is, Ayurveda has got the full liberty to nomenclature, to give the name to the new diseases, and even in Charak Samhita it is clearly mentioned, evam aviskritanam vyadhinam vyakhyasyamah. I am simply expounding those diseases which are in existence. It does not mean ki koi nayi bimari agar aati hai to usko aap Charak Samhita mein khojna shuru kar dein. Aisi sthiti ke liye महर्षि चरक ने साफ शब्दों में आपके सामने कह दिया कि विकारा नामा कुशलो नहीं जिर्रियात कदाचना नहीं सर्व विकारेशु नाम तो अस्त ध्रुवा स्थिति। इफ यू आर फेसिंग एनी न्यू प्रॉब्लम, न्यू डिजीज विच इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदिक क्लासिक्स, डोंट हेजिटेट, ट्राई टू डायग्नोज द डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ द दोष एंड दूष्य एंड यू कैन गिव ए न्यू नेम टू दैट पार्टिकुलर डिजीज। Even you can treat that particular disorder according to the involvement of the dosha and dosha. This is supposed to be the wonderful approach of our ancestors regarding the new diseases. Here COVID-19 is equally a newer one. As far as the pathological approach of this particular disease is concerned, we can say this disease is a kapap pradhan tradosaj vyadhi. There is involvement of all three dosas with predominance of the kapha dosha.
That's why while we are treating the patient with COVID-19, we must keep this thing in the mind. We have to treat kaphados on priority, as you know. Kas hona, swarbhed hona, hoarseness of the voice, cough, and breathlessness. These are the common symptoms of this disease concern due to the involvement of the lungs tissue. अभी मैं दो तीन दिन पहले एक इंटरनेशनल वेबिनार अटेंड कर रहा था, मेरा एक लेक्चर था, तो नीदरलैंड से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये वायरस जब एंटर करता है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उन पाथवे को स्ट्रांग बनाएं। कितने आश्चर्य की बात है कि इसके संदर्भ में हमारे आयुष मिनिस्ट्री की जो एडवाइजरी जारी की गई उसमें साफ शब्दों में हम लोगों ने चर्चा किया कि हमको नस्य लेना चाहिए, so that the nasal passage mucous membrane it will be strong. ये आपको रजिस्ट करेगी कोविड वायरस के एंट्री पॉइंट पर. माउथ से अगर कोविड वायरस जाता है तो हमको क्या करना चाहिए, गंडूस धारण करना चाहिए. किसका करना चाहिए, गोघृत या तिल तेल. इसकी वजह से माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन स्ट्रांग होती है. तो ये सारी चीजें आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हम विचार कर सकते हैं. दूसरी बात, आयुर्वेद में इन व्याधियों के लिए जो चिकित्सा दी गई है, आज हम देख रहे हैं कि अभी हम चर्चा आगे करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आयुर्वेद के चिकित्सकों से प्रत्यक्ष संवाद करके डायरेक्ट मीटिंग करने के बाद, और ये आज उन्होंने निर्णय लिया कि ऐसी स्थिति में जब विश्व की किसी चिकित्सा पद्धति के पास इसका निदान उपलब्ध नहीं है, इसकी चिकित्सा उपलब्ध नहीं है, तो क्यों ना हम आयुर्वेद की उन औषधियों को यहां पर हम ट्राई करें. तो उन्होंने इसके लिए ग्रीन सिग्नल दिया और उसके परिणाम स्वरूप ICMR, CSIR के टेक्निकल सपोर्ट के साथ हमारी चार औषधियां मूल रूप से, इसमें आपका अश्वगंधा, आंवला, गुड़ूची, मुलेठी और गिलो सॉरी पिपली, इन औषधियों के साथ आयुष 64 एक हमारा औषधि है जिसको प्रवेक कल्प भी बनाता है, ये आपका CCRAS का रिसर्च प्रोडक्ट है, इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करने की परमिशन मिली जिसका ट्रायल प्रारंभ किया जा चुका है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके आशाजनक परिणाम सामने आएंगे. ये वर्तमान परिवेश में बहुत आवश्यक है. डियर फ्रेंड्स, व्हाई दिस सिस्टम इज वेरी मच पिक्यूलियर, व्हाई द वर्ल्ड कम्युनिटी इज लुकिंग टुवर्ड्स दिस वेरी सिस्टम, इट इज बिकॉज ऑफ द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. बिकॉज अनलाइक द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वी आर नॉट लुकिंग अप टू द फिजिकल स्टेटस ऑफ द बॉडी, वी आर नॉट ट्रीटिंग द डिसीज कंसर्न, वी आर नॉट स्पेसिफाइंग द सिम्टम्स, वी आर ट्रीटिंग एन इंडिविजुअल ऑन फोर लेयर्स, दे आर द शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धार जीवितम नित्य कश्चानुबंधश्च पर्यायरिचते, बॉडी साइकी सोल एंड सेंस ऑर्गन्स. तो चारों तरफ से हम जब प्रहार करते हैं तो निश्चित रूप से हम रोग की समूल नाश करने की क्षमता रखते हैं, यही आयुर्वेद की विलक्षणता है. दूसरी बात, इसकी और पिक्युलरिटी क्या है, इसकी दूसरी पिक्युलरिटी ये है कि इट इज सपोज टू बी आइडियल थेरापी. व्हाई, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ द आइडियल थेरापी गिवन इन द आयुर्वेद इज, आयुर्वेद में साफ शब्दों में लिखा गया है कि प्रयोग समय व्याधिम यो अन्य व्याधि मुदीरयेत नासौ विशुद्ध शुद्धस्तु समेद्योपयेत. आइडियल थेरापी इज दैट वेयर वी कैन क्योर अ डिसीज कंसर्न और देयर विल बी नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल. कीपिंग दिस वेरी डेफिनेशन इन द माइंड, आयुर्वेद इज सपोज टू बी वेरी वेरी आइडियल इन दिस पर्सपेक्टिव. नो डाउट वेस्टर्न मेडिसिन हैज गॉट वंडरफुल इफेक्ट इन ट्रीटिंग द एक्यूट इमरजेंसीज, बट दीज मेडिसिन आर फुल ऑफ साइड इफेक्ट्स. दिस इज द बिगेस्ट हर्डल इन दिस टाइप ऑफ द मेडिसिन, माई डियर फ्रेंड्स. अब आप देखेंगे कि क्या प्रयास हो रहे हैं वर्तमान परिवेश में, इन परिस्थितियों के लिए प्रयास क्या हो रहे हैं. मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको इस प्रकार के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे हैं कि जिन्होंने समय रहते लॉकडाउन किया. उस लॉकडाउन के चलते आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश की स्थिति अन्य देशों से भी कंपैरेटिवली काफी बेहतर है. यद्यपि रोगियों की संख्या बढ़ रही है लेकिन फिर भी अन्य देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ रोगियों की संख्या कंपैरेटिवली
कम है। दूसरी बात, आयुष के संदर्भ में आप देखेंगे कि आयुष ने इम्यूनो मॉड्यूलेटर दवाओं के बारे में चर्चा किया और इनके लिए इन्होंने जो है आपके सामने रखा कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स का प्रयोग करें। अभी डॉक्टर जुनेजा ने आपके सामने रखा कि WHO ने जो कल कोट किया है, ऐसी स्थिति में आपको प्रारंभ कर देना चाहिए, नॉट ओनली इन द लॉकडाउन पीरियड, आज से ही आप प्रारंभ करें और लगातार इसको जारी रखें बच्चों से लेके बूढ़ों तक, कि हमको अपने इम्यूनिटी को, रेजिस्टेंस को बरकरार रखना है, तभी इस वायरस से हम निजात पा सकते हैं। द मोमेंट योर इम्यून सिस्टम विल बी कंप्रोमाइज्ड, इट विल बी डिक्लाइंड, देयर विल बी सेवरल टाइप ऑफ द इंफेक्शन राइट फ्रॉम द COVID-19। इन दिस परस्पेक्टिव वी मस्ट पे स्पेसिफिक अटेंशन टुवार्ड्स द होस्ट इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी के बारे में हम चर्चा आपके सामने करेंगे। एक बात आपके सामने और रखना चाहेंगे कि लॉकडाउन के पीरियड में हमारा उद्देश्य, तीन तरह से हम उद्देश्य हमारा लेके चल रहे हैं। पहला उद्देश्य, लॉकडाउन में हमारे जो स्वस्थ लोग हैं उन स्वस्थ लोगों को इम्यूनिटी को हम कैसे बूस्ट करें सो दैट दे कैन फाइट विद डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज, नंबर वन। नंबर सेकेंड, हमारे कोरोना वॉरियर्स जो फील्ड में जा रहे हैं, कोरोना पेशेंट्स के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, तो हाउ दे कैन प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम द डेडलीस्ट वायरस। और तीसरी बात, जो कोविड से पीड़ित हो जाते हैं वो क्वारंटीन पीरियड में एसिम्प्टोमेटिक हैं, उन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में हमारी दवाएं क्या रोल प्ले कर सकती हैं। तीसरा स्टेज हमारा ये है। और चौथा स्टेज, द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम COVID-19 एक्यूट सिम्टम्स, नो डाउट एक्यूट इमरजेंसी मैनेजमेंट मस्ट बी डन बाय द वेस्टर्न मेडिसिन अलोंग विद वेस्टर्न मेडिसिन, सम आयुर्वेदिक मेडिसिन कैन आल्सो बी गिवन एट एडजुवेंट। डेफिनेटली देयर विल बी पोटेंशिएशन ऑफ इफेक्ट एंड द रिजल्ट ऑफ दिस थेरेपी विल बी वंडरफुल, इट्स अवर ओन अप्रोच। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट टाइप ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। एज ए फिजिशियन, मैं टेलीमेडिसिन कर रहा हूं, मेरे पास रोगियों के फोन आते हैं, मोस्ट ऑफ द पर्संस आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप, अनिद्रा। व्हाई, व्हाट इज द बेसिक कॉज? ड्यू टू द चेंज इन द लाइफ स्टाइल, दिस लाइफ स्टाइल, एक्टिव लाइफ स्टाइल जो थी, ड्यूटी जाना, फिजिकल लेबर करना, मेंटल लेबर करना, घर में एक जगह रुके रहने से लाइफ स्टाइल में जो चेंज हुआ उसके चलते मानसिक तनाव और स्ट्रेस होना स्वाभाविक है, और स्ट्रेस विल रिजल्ट इनटू द फॉर्म ऑफ अनिद्रा और इंसोम्निया। साथियों, आप सभी अवेयर हैं कि निद्रा के संदर्भ में आयुर्वेद में क्या लिखा, यदा तो मनसिक क्लांते कर्मात्मानं क्लमान्विता विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवा, मेंटल एंड फिजिकल एग्जर्शन। जब आपकी सेंस ऑर्गन्स एग्जॉस्टेड हो जाती हैं विद द फिजिकल लेबर एंड मेंटल लेबर, तो ऑटोमेटिकली यू विल स्लीप। इन द प्रेजेंट पर्सपेक्टिव, फिजिकल लेबर बहुत कम है, मेंटल लेबर भी बहुत कम हो रहा है, तो हमें करना क्या चाहिए? वी मस्ट एंगेज अवर सेल्फ इन फिजिकल एक्सरसाइजेस, फॉर एग्जाम्पल योगा इज द वंडरफुल थिंग, लाइट एक्सरसाइज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉकिंग। आप पार्क में घूमने न जाइए, अपने घर में ही उपलब्ध स्थान पर, चाहे छत पर या कहीं भी, नॉट लेस देन 4,000 और 3,000 स्टेप्स मिनिमम आपको सामान्य व्यक्ति को चलना चाहिए। खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम, और खाना खाने के पूर्व सवेरे अगर टहलना है तो आपको 3,500 कदम चलना चाहिए। एक काम तो ये हुआ। दूसरा है योगा, क्या योगा करना चाहिए इसके बारे में मैं आगे बताने जा रहा हूं, और साथ साथ में आहार और विहार का संयम। आप रिच डाइट लेंगे, क्वांटिटी उतनी ही लेंगे जितनी आप पहले लेते थे, और फिजिकल एक्सरसाइज के नाम पे आप काफी कम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको तकलीफ होना स्वाभाविक है, नींद ना आना स्वाभाविक है, तो आपको निश्चित रूप से आहार का भी संयम करना होगा, अपने फिजिकल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली आपको आहार लेना होगा, आहार की क्वालिटी क्या लेनी होगी इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे,
तो ऐसी स्थिति में इनको करने के साथ साथ में हमारे आयुर्वेद में विशेष रूप से कुछ जो है ब्रेन टॉनिक्स हमारे यहाँ उल्लेखित हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। मैंने सामान्य रूप से डोंट ट्राई टू गिव एनी ट्रैंक्विलाइजर, देयर विल बी ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट और आपको नींद आ जाएगी। एक प्रवेग कल्पना एक दवा बनाई है मेमोडिन, मैंने उन रोगियों को मेमोडिन देना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि मेमोडिन आज हमने खिलाया कल नींद आ गई, दो तीन दिन के बाद दे स्टार्टेड गेटिंग फुल स्लीप। व्हाई? टू कट डाउन द एंजाइटी लेवल एंड स्ट्रेस लेवल इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ द कंडीशंस। आपको नींद आएगी, आप सोना प्रारंभ कर देंगे, तो यह बहुत आवश्यक है। दूसरा, जिन रोगियों को मेमोडिन के साथ नींद नहीं आया उनको हमने साथ में मानस्याधिक्वात जटामांसी के साथ में अन्य औषधियां हैं वो दिया, लोगों को नींद आना प्रारंभ हो गई। दूसरा, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, डिप्रेशन का कारण लोगों को आप देख रहे हैं कि आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, आर्थिक रूप से भी परेशानी हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से अवसाद का होना स्वाभाविक है, डिप्रेशन होना स्वाभाविक है। उस डिप्रेशन की फेज में जब स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेस की वजह से पहले तो आपकी जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो इमीडिएटली डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम ये आपके एग्रावेट कर सकते हैं अगर किसी को पूर्व से है। तो आपको सबसे पहले ध्यान ये देना चाहिए कि यदि कोई रोगी डायबिटिक है तो उसके शुगर का पीरियोडिक टेस्ट कराएं और टेस्ट कराने के साथ में डाइट कंट्रोल एंड रेगुलर एक्सरसाइज का विशेष ध्यान रखें और मधुमेह में प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों को नियमित रूप से लेते रहें। ब्लड प्रेशर में कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए, ब्लड प्रेशर का कोई रोगी है तो नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की दवाई खाएं। और साथ साथ में आपके दो एक्सरसाइजेज हैं जिनको मैं आपको बताना चाह रहा हूं, निस्पंद भाव और समासन, इसकी आप प्रैक्टिस करें तो निश्चित रूप से इस समस्या से भी आप निजात पा सकते हैं। जिस मेमोडिन की मैंने चर्चा आपसे किया वो आपका डिप्रेशन में भी उतना ही कारगर है, लेकिन मात्रा आपको कम से कम देना पड़ेगी दो दो गोली दिन में चार बार तीन बार सुबह दोपहर और शाम, फॉलोड बाई टू टेबलेट ट्वाइस डेली, इससे आपको रोगों को लाभ मिलता है। तीसरी बात, आहार विपर्यय। आहार विपर्यय से क्या है कि लोगों का मन होता है आज पकौड़ी बनाइए, हलवा बनाइए, कलिए बनाइए, सारी रिच डाइट लेना शुरू करते हैं, उसकी वजह से ओबेसिटी, वजन बढ़ रहा है। बहुत से लोगों की शिकायत आई सब वजन हमारा बहुत बढ़ रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, उसका कारण यही है, आहार संयम बहुत जरूरी है। तो हमको फ्राइड फूड कम से कम प्रयोग करना चाहिए और लघु एवं सुपाच्य आहार, इजीली डाइजेस्टिबल फूड लाइक हम आपको चर्चा करेंगे अभी। और तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है विबंध, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। उस कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको जो है पहला काम तो यह करना चाहिए कि आप लिवर की कंडीशन देखें, निश्चित रूप से लिवर को सपोर्ट करने वाली दवाई प्रारंभ कर दें। प्रवेक लिव को मैं प्रारंभ किया, प्रवेक लिव लोगों को देता हूं, आरोग्य वर्धनी बटी और प्रवेक लिव, खाना खाने के पहले प्रवेक लिव, खाना खाने के बाद में आरोग्य वर्धनी बटी, आपको किसी लैक्सेटिव की जरूरत नहीं पड़ती और रोगों को विबंध भी दूर हो जाता है। यदि इन कंडीशन से लाभ न मिले तो आपको सामान्य जो चूर्ण आपका पंचसकार आता है उसका आप प्रयोग करें तो आपको लाभ मिलेगा। अब हम आपके सामने बताना चाहते हैं कि जैसा कि आप सब लोग अवगत हैं कि आयुर्वेद का मूल उद्देश्य जो आचार्य चरक ने बताया कि प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रसन्नम च, एज यू ऑल आर अवेयर दिस साइंस, दिस मेडिकल साइंस इज बेसिकली मेन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बॉडी फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीजेस, इट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेद। एज फॉर एज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेद इज कंसर्न क्योर ऑफ एलिंग्स विकार प्रसन्नम च, द क्वेश्चन इज व्हाई द हाई एम्फेसिस हैज बीन पेड ऑन प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेस, एज यू ऑल आर अवेयर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द COVID-19 इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी मस्ट कीप अवर सेल्फ वेरी मच अवेयर रिगार्डिंग द डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स डिस्कस्ड इन दिस वेरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन।
साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने 4-dimensional गोल रखा, प्रिवेंशन, प्रमोशन, क्योर एंड रिहेबिलिटेशन। प्रिवेंशन की बात जब हम करते हैं तो आप देखते हैं कि आयुर्वेद जैसा विज्ञान जिसमें दिनचर्या, रात्रचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत, आचार रसायन, धारणीय धारणी पे सो मेनी थिंग्स आर डिस्कस्ड इन सच ए साइंटिफिक मैनर कि यू कैन कीप योर सेल्फ हेल्दी विदाउट टेकिंग एनी ड्रग। दिनचर्या, प्रातःकाल सवेरे आप ब्राह्म मुहूर्त में उठें, ये तभी उठेंगे जब आप जल्दी सोएंगे, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, कहने के लिए नहीं, हमको इसको अपनाना पड़ेगा। दूसरी बात, सवेरे उषापान, सवेरे आप उठ करके तांबे के पात्र में रखा हुआ जल पिए, निश्चित रूप से इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये हमारे साथ में कहा गया है, रातचर्या क्या है, ऋतुचर्या क्या है, इस पर अलग से हम व्याख्यान करेंगे। तो फिलहाल आप ये समझिए कि आयुर्वेद की प्रिवेंटोलॉजी, प्रिवेंटिव मेडिसिन बहुत स्ट्रांग है। दूसरी बात, प्रमोशन की बात करते हैं तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ, जो कि COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में जो हम चर्चा करने आज आपके साथ जा रहे हैं, होस्ट इम्यूनिटी के बारे में, तो आयुर्वेद ही एक ऐसी विधा है जिसमें स्वस्थस्य ओजस करम यत्तु यद भ्रस्यम तद रसायनम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को और समुन्नत करने की जो विधा है, the drugs which are meant to promote the health of the healthy individuals, these drugs are called as rasayan drugs or bajikaran drugs. आपको जान के प्रसन्नता होगी कि अष्टांग आयुर्वेद में दो स्वतंत्र अंग रसायन और बाजीकरण के नाम से वर्णित हैं, काय बाल ग्रहोर द्वांगा सल दष्टा जरा प्रसाद। इन दो अंगों में जिन औषधियों का उल्लेख किया गया, thousands of the medicines are given as formulation or single drug, वेरी वेरी इफेक्टिव। मित्रों, तो आप ये जानेंगे कि निश्चित रूप से कि हमारे पास प्रमोशन ऑफ दी हेल्थ के लिए बहुत उत्कृष्ट मेडिसिन हैं, बहुत अच्छी रसायन औषधियां हैं जिनका आगे हम प्रयोग कर सकते हैं और बहुत लाभकारी हैं। दूसरी बात, आप देखेंगे कि रसायन के संदर्भ में आयुर्वेदी आचार्यों ने जो चर्चा किया है, रसायनम तु यद् जरा व्याधि नाशनम, प्री मैच्योर एजिंग को रोकना और व्याधि को रोकना, ये रसायन का कार्य है। यही रसायन औषधियां हमारे पास बहुत बड़ा टूल है जिसके माध्यम से निश्चित रूप से हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यह आयुर्वेद का मूल मंत्र है। अब हम आते हैं कि आयुर्वेद मनीषियों ने 3 उपस्तंभ बताए, त्रि उपस्तंभ, ध्यान, आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है आहार की। आहार से उत्कृष्ट कोई टॉनिक नहीं है, आहार से उत्कृष्ट कोई रसायन नहीं है, बशर्त के आप आहार को आहार की तरह खाएं। आज के परिवेश में जो लॉकडाउन में रह रहे हैं उनके लिए 2 ही उपदेश हैं, हितभुक और मितभुक। हितभुक का तात्पर्य यह है कि वही चीजें खाएं विचार होलसम, विचार सुटेबल टू योर बॉडी। मितभुक, ट्राई टू कंज्यूम मिनिमम डाइट विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर डेली एक्टिविटीज। एक सेकेंड में क्षमा चाहूंगा, सुनो, बेटा हमारा चुप का पीरियड चल रहा है ना, हमारा वो चल रहा है कार्यक्रम, मम्मी से बात करो। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हम आपको कह रहे थे कि हितभुक और मितभुक इसका हम प्रयोग करें, ये बहुत आवश्यक है, ठीक है। और दूसरी बात, शाकाहार, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी आपके सामने आज शाकाहार की तरफ अपने आप को मोड़ती हुई चल रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। शाकाहार को हम प्रमोट करें और शाकाहार में भी सात्विक आहार विशेष रूप से हम लोगों को लेना चाहिए, और जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो आपके राजस आहार का सेवन कर सकते हैं। हमें क्या खाना चाहिए, सामान्य रूप से रोगियों को आप रेकमेंड करेंगे और मैं जो करता हूं, लघु एवं सुपाच्य भोजन, जिसमें निनुआ, लौकी, करेला, परवल, तरोई, सहजन की फली, पालक, इनका आप प्रयोग कराएं, ये निश्चित रूप से लाभकारक भी होते हैं, इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं
और साथ साथ में आपके कोष्ठ को भी शुद्ध रखते हैं। खाना क्या नहीं है, किसको निषेध करना है, कोहड़ा, कटहल, बैंगन, अरवी, उड़द की दाल, ये कॉन्स्टिपेटिंग डाइट्स हैं, इनको आप निषेध करें, इनका प्रयोग कम से कम करें, इसे वर्जित रखें। घी तेल के पकवानों का प्रयोग कम से कम करें। एक बात विशेष ध्यान रखें कि घी में आपको रिफाइंड को भूल जाना चाहिए, शुद्ध सरसों का तेल, तिल तेल या ग्राउंडनट ऑयल, इसके अलावा अन्य प्रकार के किसी तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गोघृत प्रयोग है, महिषी घृत बिल्कुल नहीं। और गोघृत के संदर्भ में मैं आपको एक टाइमली बात बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा ग्लासगो यूनिवर्सिटी में उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने कोट किया कि काउज घी हैज गॉट ट्रीमेंडस पावर टू इंक्रीज गुड कोलेस्ट्रॉल ऑन वन हैंड एंड रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल ऑन अदर्स। It has got tremendous quality to decline triglycerides, LDL, VLDL. तो ये बड़ी क्वालिटी है, तो गाय का घृत आप ले सकते हैं। और आपको ये प्रसन्नता है कि आयुर्वेद संहिताओं में जहां भी घृत का उल्लेख किया गया है तो साफ शब्दों में लिखा है घृत से गौघृत का ग्रहण करें, दुग्ध लिखा हुआ है तो गौ दुग्ध का ग्रहण करें। तो हमको जो है अगर प्रयोग करना है घी का तो देसी गाय का घी आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, बाजारू खाद्य पदार्थ, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, ये सब चीजों का आप परहेज करें। और प्रयोग क्या करें, हमारे पारंपरिक व्यंजन है दाल पूड़ी, बाटी चोखा, चिल्ला, सिमई, साबूदाना, फरहा, सो मेनी ट्रेडिशनल रेसिपीज आर अवेलेबल इन अवर इंडियन कल्चर। स्थान विशेष के अनुसार से राजस्थान का कोई दूसरा है, उत्तर प्रदेश में दूसरा है, पूर्वांचल में अलग है, बिहार का अलग है, तो ये प्रकार के ट्रेडिशनल जो हमारे व्यंजन हैं, इन व्यंजन पर हमें जोर देना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि मल्टीग्रेन फ्लोर का बड़ा फैशन चल रहा है। मैं विशेष रूप से रिकमेंड करता हूं केवल डायबिटिक रोगियों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए, कि 5 किलो गेहूं, 2 किलो चना, 2 किलो जौ और 1 किलो सोयाबीन को मिला के आप आटा बनाइए, इसकी रोटी खाइए बिना चले हुए आटे की, आपको फाइबर भी मिलेगा, आपका कोलन हेल्दी होगा। और 4 चपाती कैलोरी में जो आपको 4 चपाती में जो कैलोरीज मिलेंगी वो आपके गेहूं की 2 चपाती के बराबर होगी। तो इवन डायबिटिक्स कैन कंज्यूम दिस फ्लोर, वेरी इफेक्टिव और वेरी यूजफुल। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि निद्रा, नींद के लिए स्वाभाविक रूप से 6 से लेकर 7 घंटे की स्लीप आपको होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जब आप अपनी ज्ञानेंद्रियों को पूर्ण रूप से थका देंगे, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को, तो जो आपको स्लीप आएगी दैट विल बी डीप स्लीप। अब वो डीप स्लीप जो आएगी उसमें बड़े आसानी के साथ आप सोएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे, अदरवाइज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप आएगी जिसे ड्रीमी स्लीप कहते हैं। आप रात भर सोएंगे, सवेरे जगने के बाद आपको स्फूर्ति नहीं आएगी, थकान बनी रहेगी, तो ऐसी स्थिति में हमको नींद के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम अपना शरीर के कार्य के हिसाब से परिश्रम भी करें भोजन के हिसाब से, और रात को सोने के पहले भोजन करने के बाद चंक्रमण करें, टहलें जरूर, और टहलने के बाद शवासन का अभ्यास करते हुए आप सोएं, निश्चित रूप से इसको आपको लाभ मिलेगा। आयुर्वेद में 7 प्रकार की नींद बताई गई है, तमोद्भवा, श्रेष्ठ समुद्भवा च, मन शरीर श्रम संभवा च, तो इसी 7 प्रकार है रात्रि स्वभाव प्रभावा च निद्रा, जो स्वाभाविक निद्रा रात में आती है, किसी बीमारी की वजह से नहीं आती, वो निद्रा आपकी स्वाभाविक निद्रा है, उस निद्रा को सही रखना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रिलैक्सेशन और रसायन प्रभाव देती है। दूसरी बात, ब्रह्मचर्य की बात आती है, तो ब्रह्मचर्य का तात्पर्य केवल सेक्सुअल कंट्रोल नहीं है, ब्रह्मचर्य का तात्पर्य होता है संयम, आहार संयम, विहार संयम, जीवन शैली में संयम, अहितकर विषयों से मन को बचाना, तो ये संयम का हम प्रयोग करें। संयम जीवन का मूल मंत्र है, इसका हमें हमेशा उपयोग करना चाहिए। नाउ वी कम टू द स्पेसिफिक फीचर ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, व्हाई इट इज पिकुलियर वन, बिकॉज
आयुर्वेद बेसिकली बिलीव्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेनकम एनवायरमेंट. एज यू नो चरक हैज क्लियरली मेंशन यावंता पुरुषा तावंतो लोको. एंड इन अवर वैदिक लिटरेचर इट इज रिटन यत पिंडे तत ब्रह्मांडे. ह्यूमन बॉडी इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल यूनिवर्स. In other words, man is the miniature replica of cosmos. That's why minor changes in the cosmic environment directly influences the internal environment of our body. As you know, three cosmic powers are there, which are governing the total environment. That is sun, moon, and air. And in human body, we have got the three representative of these cosmic powers in the form of the Vata, Pitta, and Kapha. This is supposed to be one of the best example of chronobiology. Now the question is, how we should keep ourselves healthy? बहुत important प्रश्न है. वो प्रश्न ये है कि इन सारी परिस्थितियों के बीच में हम स्वस्थ कैसे रखें. बहुत बड़ा मंत्र है. क्या है कि try to develop proper tuning with the environment. इस environment से जितने आप tuning proper रखेंगे उतने आप स्वस्थ रहेंगे. अगर आपने ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं करी, इम्प्रॉपर ट्यूनिंग होगी, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ डिजीज, मेंटल टेंशन, स्ट्रेस. तो आपको ट्यूनिंग प्रॉपर करना पड़ेगी. अगर आप ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं कर सकते तो अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाइए कि आपके हिसाब से वातावरण ट्यून करना शुरू कर दे. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, बॉस और सबोर्डिनेट के बीच में काम सही ढंग से ट्यूनिंग नहीं है, तो या तो सबोर्डिनेट को बॉस के अकॉर्डिंगली ट्यूनिंग कर लेना चाहिए, अदरवाइज अपने आप की वो क्षमता रखना चाहिए कि बॉस अपने आप आपके साथ में ट्यूनिंग करना शुरू कर दे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर मस्ट बी प्रॉपर ट्यूनिंग. क्यों? कि आयुर्वेद में तीन मूल कारण बताए गए हैं रोगों के. काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम मिथ्या योगो न चात च दया श्राणाम व्याधिनाम त्रिविधे संग्रह. आसात्म इंद्रिय संयोग, प्रज्ञा पराग और परिणाम. मैंने चर्चा पहले पूर्व अपने व्याख्यान में भी किया था. तो हम इन तीनों कारणों की वजह से तमाम रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं और ये बहुत ही कारण है अनेक रोग उत्पन्न होने का. प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है इसमें. उद्देश्य क्या है आयुर्वेद चिकित्सा का? आयुर्वेद चिकित्सा का उद्देश्य मात्र जो है किसी ज्वर को, ज्वर की हम चिकित्सा नहीं करते. अगर अतिसार हो रहा है तो केवल अतिसार की हम चिकित्सा नहीं करते. हमारा लॉजिक क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? धातु साम्य क्रियाश्चोक्ता तंत्रस्यासि प्रयोजनम्, रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मेलिसी इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेद. इट हैज ऑलरेडी बीन हाइलाइटेड बाय चरक हिमसेल्फ. चतुर्णाम भिषगादीनाम सस्तानाम धातु व्यकृते प्रवृत्तिर धातु साम्यार्था चिकित्सेत विधीयते. चिकित्सा के चतुष्पादों के साथ में हमारा उद्देश्य है कि जो धातु, आपकी धातु साम्य जो खराब हो गया है, नॉर्मेलिसी हमारी डिस्टर्ब हो गई है, उसको हम बैलेंस करें, उसको हम सही अवस्था में लाएं. इसका तात्पर्य हम पूर्ण स्वास्थ्य की बात करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल हेल्थ. आवर अप्रोच इज होलिस्टिक. और आप देखते हैं यही आयुर्वेद में कहा है कि याभे क्रिया विजायन्ते शरीरे धातवासमा सा चिकित्सा विकारणम कर्म तद विजामतम. बाई एनी मेजर, किसी के द्वारा भी हम अगर धातुसा में कर सकते हैं, वही आपकी चिकित्सा है. और ये चिकित्सा मूल रूप से लाभकारी क्यों होती है? ये अपुनर्भव चिकित्सा है. There will be no chances of recurrence. दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनैः जिता संशोधनैः हेतु न तेषां पुनर्भव. बिकॉज वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट विद शोधन समन एंड निदान परिवर्जन. तीन एंगल से हम काम करते हैं. निदान परिवर्जन से रोगों को हम रोकते हैं. संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जन, अवॉइडेंस ऑफ द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स on one end, and purification of dosas by the panchakarma therapy, that is biopurification. We are removing all the toxins from the tissues concerned. Then third is shaman chikitsa, palliative measures. Residual dosu bata hua hai, uska bhi hum shaman kar dete hai. Is prakar se hum radical removal of the disease karte hain. Ek baat aapko aur batana chahenge ki Ayurved ki mehatta मूल रूप से जीर्ण व्याधियों में है, क्रॉनिक डिसीजेस में. आयुर्वेद हैज गॉट द वंडरफुल अप्रोच. क्यों है ऐसा? आप समझ लीजिए कि बेसिकली द क्रोनिसिटी ऑफ द डिसीज इज बेसिकली ड्यू टू इम्यूनोपैथोलॉजी, और दिस इम्यूनोपैथोलॉजी इज डेवलप्ड ड्यू टू द
membrane pathology on one hand and dislodged immunity on the other hand. What we are doing? We are removing membrane pathology by panchakarma chikitsa, that is biopurification on one hand, and boosting up the immune system with the help of the rasayan chikitsa on the other, so that the restoration of normalcy or restoration of the ozone is there, dislodged immunity automatically apne jagah aa jati hai. To aisi sthiti se jo hum chikitsa karte hain, ye chikitsa phaldayi hoti hai, labhkari hoti hai. इसलिए जितनी भी क्रोनिक डिसीजेज हैं उनमें आयुर्वेद चिकित्सा मूलतः प्रभावी अवश्य होती है. जैसे डायबिटीज के रोगी में हम सारे कर्म करने के साथ शिलाजीत का प्रयोग करते हैं रसायन के रूप में. ट्यूबरक्लोसिस में हम पिपरी क्षीर पाक देते हैं रोगियों को. बातव व्याधि के रोगियों को हम गुगलू देते हैं. यही हमारी चिकित्सा का मूल आधार है कि हम अपनी चिकित्सा के साथ साथ में रसायन चिकित्सा का भी प्रयोग करते हैं. अब बात आती है कि जैसा कि हम कहते हैं कि हमारी अप्रोच क्या है, हमारी अप्रोच इंडिविजुअलिस्टिक ट्रीटमेंट की है, जो कि वेस्टर्न थेरेपी नहीं मानती थी. वेस्टर्न सिस्टम क्या कहता है कि अगर किसी को टाइफॉइड है तो सिप्रोफ्लक्सासिन इतना मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट आप दे दीजिए. लेकिन हमारी बात ये नहीं है, हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ये नहीं मानती. हम कहते हैं कि योग मासाम तो योग विद्या देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम बीच सगे हो विश्वगतम. You, each and every individual must be treated with a new angle. That's why the system cannot replace, the computer cannot replace the system. You have to analyze each and every individual with the tenfold examination of charak. Prakritascha, vikritascha, sarthascha, sanganantascha, satutascha, satutascha, vaischiti. You will have to establish the constitution or temperament of an individual. Then you will have to decide what type of the treatment to be given to this particular individual. That is very important factor. Mr. Juneja, am I audible? Mr. Juneja? Yes, sir. May I continue? I request Dr. Devashish to... the screen share. Let me, sir, do one thing. Yeah, my video. Video just a second, sir. Okay. Just give me a second. Okay. Yes, sir. Now please continue. Okay. We have 10-15 minutes more. Yes, sir. You can continue. Video. Yes. Okay, now it's okay. So now the question is, basically, we are treating the individual holistically with the help of the prakriti pariksha. Prakriti, we know the people, temperament, we know the people, and we know the people. Limitation of the Western medicine, no doubt. Triple A, A for analgesic, A for antibiotic and A for anesthesia. ये तीन चीजें आपकी वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ऐसी हैं कि जिसके चलते हम उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं. तो आज हम इस पर प्रयास कर रहे हैं. मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी को कि उन्होंने आते ही सबसे पहले पहला जो आयुर्वेद दिवस मनाया गया नेशनल आयुर्वेद डे उसका थीम ही था पेन मैनेजमेंट थ्रू आयुर्वेद. और उस पेन मैनेजमेंट के ऊपर मैंने एक सेमिनार भी किया और मैंने एक किताब भी पब्लिश किया और उसमें आयुर्वेदिक औषधियां कारगर हैं इस पे और प्रयास चल रहा है. मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा प्रवेक कंपनी को कि इन्होंने दो दवाएं इस तरह की बनाई AS26 जिसे रूमाकल्प और दूसरा अर्थ्रो और दसमूल घनबटी तीनों दवाओं के कॉम्बिनेशन से आर्थराइटिस के उन पेशेंट्स में जो कि दर्द से कराते रहते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा लाभ मिला. और साथ में इनका महाबलवर्धक तेल और महासुगंधित तेल मेरी प्रैक्टिस का एक अंग बन चुका है और मैं इसका प्रयोग करता हूं. तो इस प्रकार की लाभकारी औषधियां हमारे पास उपलब्ध हैं. अब आती है मेरिट्स ऑफ आयुर्वेद. आयुर्वेद की मेरिट्स क्या है? एक तो रेडिकल क्योर ऑफ द डिजीज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया. दूसरा, आयुर्वेद इज बेसिकली फ्रॉम लिविंग हर्ब्स. दैट्स व्हाई बाय हैविंग द सिमिलर बायोमॉर्फिक कॉन्स्टिट्यूशन दीज मेडिसिन कैन इजीली डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब
and assimilate in the body without creating any untoward effects. और जो हमारी भस्म होती हैं, उनका भी हम शोधन और मारण और भावना द्रव्यों के साथ में प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी टॉक्सिसिटी, उनका जड़त्व, इनर्सिया और उनके अंदर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उन सबको हम दूर कर देते हैं। ये आयुर्वेद की विलक्षणता है। इस प्रकार से ये आयुर्वेदिक औषधियां ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं और ये शरीर में अच्छा प्रभाव करती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्रूडोपैथी इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद। आप जानते हैं, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि सर्पगंधा रॉबल्फिया सर्पेंटिना, दिस प्लांट वॉज यूज इन द आयुर्वेदिक क्लासिक्स फ्रॉम 1000 years ago। And patient can use this drug for years together without any side effects. But when the modern pharmacologists isolated so many alkaloids, more than 250, there is one alkaloid that is reserpin that can be given in the dose of the 0.25 milligram tablet. This 0.25 milligram tablet is more than sufficient to reduce your blood pressure in the patients of the hypertension. If you use sarvagandha churn, even in the dose of the 5 grams BD, the effect will not be so fast. But if you use reserpine for months, for a month or two, most of the patients will develop suicidal tendency as a side effect. But there will be no side effect at all when you use sarvagandha churn for years together. Why? Because other co-alkaloids which are present in the sarvagandha, they will pacify or minimize the toxicity or side effect of particular alkaloid. इसलिए हमारा सिद्धांत ही क्रूडोपैथी का है। हम क्रूडोपैथी के को मानते हैं और यही आयुर्वेद की विलक्षणता है। Is it easy to procure? और दूसरी बात, free from any untoward effects. आयुर्वेद को विजिलेंस हमारा बना है, सेल बन चुका है। अगर कोई साइड इफेक्ट मिलता है तो आप सभी वैद्य लोग वहां रिपोर्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि प्रोसीजरल मिस्टेक, बनाने की किसी विधि में कोई कमी आई हो या सोर्स से कोई प्लांट आपका आ गया हो उस तरह से। एक चीज और मैं इस समय आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि मैं मैंने विजिट किया फार्मेसीज का, तो मैंने देखा कि कलेक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर हर्ब फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जुन का पेड़ आपने रोड साइड से लेकर के, और अगर आपने किसी को दिया, पता लगा किसी ने उसका एनालाइज कराया, बोला इसके अंदर तो लेड है, अगर वो अर्जुन का पेड़ रोड साइड पर रहेगा तो व्हीकुलर मूवमेंट्स की वजह से उसमें आपका लेड तो मिलना स्वाभाविक है। इसलिए हमारी औषधियां अगर नेचुरल हैबिटेट से कलेक्ट की जाती हैं, मंगाई जाती हैं, तो उनके अंदर इस प्रकार के कोई साइड इफेक्ट, प्रकार के दुर्गुण नहीं मिल सकते। तो इसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रवेप कल के फाउंडर स्वर्गीय सत्यनारायण गुप्त जी का, कि वो इस प्रकार के एक केमिस्ट्री के विद्वान थे कि उन्होंने ये तय किया कि आयुर्वेदीय औषधियों की गुणवत्ता को बरकरार रखेंगे, किसी भी कंडीशन में इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। 2002 में जब अमेरिका से मैं वापस आया तो मैंने सबसे पहले, मेरा एक कार्यक्रम था, मेरे एक मित्र डॉक्टर आर्या हम इनके यहाँ लेके गए, इनकी फार्मेसी के स्टोर को देखने के बाद कच्ची औषधियों के, मेरी तबीयत खुश हो गई। मैंने जिंदगी में कभी शुद्ध बंसलोचन नहीं देखा था, पहली बार मैंने वो बंसलोचन देखा जो इंडोनेशिया से इन्होंने मंगाया था, अदरवाइज कैल्शियम ग्लूकोनेट बंसलोचन की जगह यूज होता है। तो साथियों, औषधियों की गुणवत्ता हमारे चिकित्सा की सफलता के लिए एक मूल मंत्र है। तो जब तक औषधियां शुद्ध नहीं मिलेंगी, हम काम नहीं कर सकते। ये बहुत आवश्यक चीज है। अब हम आपके सामने आते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट विषय पर, जो है कंसेप्ट ऑफ इन्फेक्शन इन आयुर्वेद। साथियों, मैं पहले भी कह चुका हूं, भारत सरकार को भी मैंने लिख के दिया हुआ है कि आयुर्वेद वाले महर्षियों को इंफेक्शियस डिसीजेस के बारे में पूर्ण जानकारी थी। इसका प्रमाण है कि सुश्रुत संहिता के निदान स्थान में वर्णन आता है, प्रसंगात गा संस्पर्शात निःश्वासात सह भोजनात सहसया सनाश्चैव वस्त्रमाल्यानुलेपनात कुष्ठम ज्वरम च शोषश्च नेत्राभिषन्द एव च औपसर्गिक रोगा सह संक्रामक नरांतरम। इन संक्रामक चार रोगों का उदाहरण भी दिया, लेप्रोमेटस लेप्रोसी, इंफेक्शियस फीवर, कंजंक्टिवाइटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये चार रोगों का उदाहरण दिया, इसका मतलब दीवार फुली अवेयर और मोड ऑफ स्प्रेड जो उन्होंने वर्णन किए, जो मैं आप बताया भी आपको,
इसमें कोई नई चीज आप जोड़ नहीं सकते। इतना विस्तृत ज्ञान इनके पास था कि इन्होंने जो वर्णन किया मोड ऑफ स्प्रेड का, उसमें कोई नई चीज आप जोड़ नहीं सकते। इन स्पाइट ऑफ दैट व्हाई दे हैव नॉट डिस्क्राइब्ड एनी एंटीबायोटिक, बिकॉज देयर हाइपोथेसिस इज एंटायरली डिफरेंट। अनलाइक द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दे बिलीव इन द फील्ड थ्योरी, अनलाइक द सीड थ्योरी ऑफ द वेस्टर्न मेडिसिन। वेस्टर्न मेडिसिन का मानना क्या है, कोई पैथोजन आया शरीर में एंटर किया, कोविड 19 शरीर में गया और जाते ही उसको कोविड डिसीज हो गया, डिसीज से पीड़ित हो गया, HIV बॉडी के अंदर गया और एड्स हो गया। साथियों, आयुर्वेद ये मानता है कि यदि शरीर में असंख्य जीवाणु हैं, असंख्य विषाणु हैं आपके मौजूद हैं, जिनमें से लाभकृत जो आपके यूजफुल आपका जो फ्लोरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने ये कहा कि हम मानते हैं क्षेत्रवाद को। क्षेत्रवाद का सिद्धांत क्या है कि ध्रुव चतुर्णाम सानिध्या गर्भ सियाद्वित पूर्वक ऋतु क्षेत्रांब बीजानाम सामग्र्या अंकुरो यथा। यदि किसी बीज को अगर आपको बोना है तो अगर आपने पत्थर के ऊपर या ऊसर जमीन में उस बीज को डाल दिया तो बीज पैदा नहीं होगा। उस बीज को डालने के लिए ऋतु भी प्रॉपर होना चाहिए, किस ऋतु में बीज उगता है, क्षेत्र माने आपका फील्ड भी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, अंब माने वहां पानी का भी व्यवस्था होना चाहिए और बीज का भी क्वालिटी प्रशस्त होना चाहिए, इट मस्ट बी अ गुड क्वालिटी, तभी जो है इसका अंकुरण होगा। सिमिलरली कोई पैथोजन बॉडी के अंदर जाता है तब तक वो अंकुरित, तब तक वो डिसीज पैदा नहीं कर सकता जब तक कि आपकी बॉडी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, प्रॉपरली प्रिपेयर्ड मीन्स योर इम्यून सिस्टम योर रेजिस्टेंस इज कंप्रोमाइज्ड। जब तक आपकी इम्यूनिटी डाउन नहीं रहेगी, कंप्रोमाइज नहीं रहेगी, दिस वायरस मे एंटर इन योर बॉडी, इट विल रिमेन साइलेंट बिकॉज ऑफ योर इम्यून पावर। इफ इट इज कंप्रोमाइज देन देयर विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस वायरस, टिल दिस वायरस विल नॉट अप टू द डिजायरेबल नंबर देयर विल बी नो डिसीज सिम्टम्स कंसर्न। रोग के लक्षण उत्पन्न होने के लिए जब तक वायरस मल्टीप्लीकेशन करके डिजायरेबल नंबर तक नहीं पहुंचेगा तब तक रोग उत्पन्न नहीं हो सकता, वही स्थिति है। इसी के आधार पर हम बल का निर्धारण करते हैं, प्रबल बल, मध्यम बल और हीन बल। प्रबल बल माने एक्सीलेंट बल। एक्सीलेंट क्या होता है कि अंदर शरीर में गया वायरस कोविड और पड़ा रहा, शरीर में कोई असर नहीं हुआ। दूसरे में वायरस गया और जाने के बाद शरीर में वो स्टेब्लिश हुआ और लेकिन कोई लक्षण पैदा नहीं कर पाया। और तीसरे प्रकार के वायरस गया, मल्टीप्लिकेशन हुआ और लक्षण भी पैदा कर दिया। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टेटस ऑफ द इम्यूनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहां पर मूलतः सिद्ध है कि हमको करना क्या है, हमको रोगी के अंदर की ये पावर को बढ़ाना है। इसी तारतम्य में हमारे महर्षियों ने तीन तरह के बल बताए, सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत बल। सहज बल तो जेनेटिकली आपको प्राप्त होता है, माँ बाप से मिलता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जंगल में खेलने वाले आदिवासियों के बच्चे तमाम एक्सपोज होते हैं, उनकी हार्ड इम्यूनिटी इतनी होती है कि उन्हें कोई इस प्रकार की बीमारी नहीं होती। सहज बल, कालज बल टाइमोरल, एज हिसाब से, एज के हिसाब से और ऋतु के हिसाब से सहज कालज बल। तीसरा बल होता है युक्तिकृत बल। युक्तिकृत बल का मतलब होता है एक्वायर्ड, और एक्वायर्ड मीन्स हमको आर्टिफिशियली कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। इसमें हमारा जीवन शैली भी आएगी, हमारी औषधियां भी आएंगी, इसी के ऊपर हमको जोर देना चाहिए। यदि हम चाहें तो अपनी इम्यूनिटी को इस लेवल तक पहुंचा सकते हैं कि किसी प्रकार का, इस प्रकार का एक्सपोजर होने के बाद भी हम आपसे बचे रहेंगे, यही हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे परिप्रेक्ष्य में ये केवल आज हम कोविड की बात करते हैं, इसके पहले सार्स, स्वाइन फ्लू, इबोला वायरस, एड्स, चिकनगुनिया, नए नए वायरस तमाम आते हैं, आते रहते हैं। लेकिन इन सब से अगर बचना है तो हमको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना होगी, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने आहार विहार का संयम रखना होगा। साथ साथ में आयुर्वेद की वो औषधियां, रसायन औषधियां, उनका हम प्रयोग करेंगे तो अपने आप को हम सुरक्षित रख सकते हैं। और व्याधि क्षमा तो होता क्या है आयुर्वेद के हिसाब से, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट जिसको आज का विज्ञान भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है, इन्होंने साफ शब्दों में आपके सामने कह दिया
कि शरीर में सात धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। और इन सात धातुओं का जो एसेंस होता है वो ओज होता है। ओज के गुण क्या है? गुरु शीत मृदु स्लक्षण बहुलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिछलम स्निग्ध मोदो दस गुणम स्मृतम। आज एक बताना बहुत आवश्यक है बात, ये बात जानते रहें कि आज आपके सामने कहा जा रहा है कि जितनी भी गर्म चीजें लेते रहिए, गर्म चीजें ये करते रहिए, आपको ये जानना चाहिए कि किस प्रकृति के आदमी को क्या क्या चीजें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हर व्यक्ति आंख बंद करके दालचीनी अदरक पिपली फिकटू सबका सेवन करता जाएगा, ये ग्रीष्म ऋतु है, पित्त और बढ़ जाएगा, परेशानी क्रिएट हो सकती है, तो हमको इसका विचार करके नियमानुसार औषधियों के सेवन की तरफ जाना चाहिए। अब आप देखेंगे इस ओज को बढ़ाने के लिए, यही ओज हमारा क्या है, यही व्याधि क्षमत्व है, यही हमारा बल है। और ओज के संबंध में क्या कहा, व्याधि क्षमत्व के संदर्भ में आचार्यों ने क्या कहा, चक्रपाणि ने जब टीका किया कि व्याधि क्षमत्वम व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वमिति यावत्। ये केवल जो है हमारे शरीर को होने वाले रोग से बचाता ही नहीं है, रोग जो उत्पन्न हो गया है उस रोग से लड़ने की क्षमता भी देता है, उसकी चिकित्सा भी करता है। तो ये इसका महत्वपूर्ण उपयोग है कि हम रोग से बचेंगे भी, अगर रोग हो जाता है तो रोग से लड़ने की क्षमता भी होगी। आप देख रहे हैं कोरोना के तमाम लोग जो हमारे स्वस्थ होकर के घर लौट रहे हैं, यही कारण है कि उनके अंदर की क्षमता है, उस क्षमता के कारण ही उन पर कोरोना प्रभाव नहीं कर पा रहा है। इसके वेरिएबल्स हैं, न तो सर्वे शरीराणि व्याध क्षमत्व समर्थाने भवन्ति, न सर्वे दोषाः तुल्यबलाः, न सर्वे अपथ्याणि तुल्यबलाः। सभी अपथ्य जो है बराबर बलशाली नहीं होते, और सभी जो है शरीर जो है व्याध क्षमत्व के लिए समर्थ नहीं होते। तो आपको करना क्या है कि हमको एनालाइज करने के बाद, उनके बल की परीक्षा करने के बाद, हमको अपनी औषधियों का चयन करके प्रयोग करना चाहिए। एक बात और आपके सामने कोट करना चाहूंगा कि आचार्य सारंगन ने 16वीं सदी में जिस वैज्ञानिक तथ्य का परिचय दिया, आज का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल उसके सामने फेल है। आचार्य सारंगन लिखते हैं कि बाल्यम वृद्धि छवे मेधा तुक दृष्टि शुक्र विक्रम और बुद्धि कर्मेन्द्रिय चेतो जीवितम दस्तौ वर्षे। जीवन को 100 वर्ष की आयु को 10 दशकों में बांट दिया, 10 डिकेट्स, और प्रत्येक दशक में प्रत्येक डिकेट में एक एक वायो लॉस बताया, एक एक भाव का ह्रास बताया, और उस भाव के ह्रास को पूरा करने के लिए औषधियों का उल्लेख किया। यदि उस दशक में उन औषधियों का प्रयोग आप करें तो उस दशक में होने वाले रोगों से अपने आप को आप बचा सकते हैं। जैसे पहले दशक में बाल्य चाइल्डहुड कॉर्पुलेंस, तो उसको आप देखते हैं सर्दी जुकाम बुखार दस्त तमाम बीमारियां बच्चों को होती हैं, और उन सारी बीमारियों से रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, स्वर्ण कास्मरी और बला। स्वर्ण प्राशन के बारे में देखा आपने, साउथ इंडिया में बहुत प्रचलित था, राजा महाराजा लोग पहले अपने बच्चों को स्वर्ण भस्म चटाया करते थे, यही स्वर्ण जो है एक ऐसा योग था जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम योग है। स्वर्ण का प्रयोग बच्चों को अगर हम कराते हैं तो उत्तम योग है, स्वर्ण का जो एफोर्ड नहीं कर सकते उनको बचा और कास्वरी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा दशक होता है वृद्धि, वृद्धि मींस ग्रोथ, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर आपको हाइट बढ़ाना है ग्रोथ करना है तो उसके लिए दो औषधियां विशेष रूप से ध्यान रखें, फॉर मेल्स अश्वगंधा, फॉर फीमेल शतावरी। तीसरा छवि कॉम्प्लेक्शन, इसमें आंवल की सर्वोत्तम औषधि है, आंवला का प्रयोग करना चाहिए, आंवला जो है सर्वोत्तम, आंवला और हरिद्रा। चौथा दशक सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसे कहते हैं मेधा इंटेलेक्ट, एक पाठी आप हो जाएंगे इन चार मेध रसायन का प्रयोग करें। मैं इसका उदाहरण स्वयं हूं, मैं इन चार रसायनों का प्रयोग आज 40 साल से कर रहा हूं, और मुझे कोई पुस्तक आप दे दीजिए एक बार पढ़ने के बाद में मैं आपको उसके बारे में कंक्लूजन बता दूंगा। 5000 श्लोक मुझे कंठस्थ हैं, मैं रेफरेंस बता सकता हूं कौन सा श्लोक कहां लिखा हुआ है। ये चार औषधियां मंडूक पर्णी स्वरस प्रयोज्या क्षीरेण यष्टि मधुकस चूर्णम रसे गुरुच्वा समूल पुष्पा कर्क प्रयोज्या खड़संग पुष्पी। मंडूक पर्णी माने ब्राह्मी, गुड़ुची मुलेठी और संग पुष्पी,
मेध्यान चेतान रसायनानी मेध्य विशेषण संघ पुष्पी बड़े आसानी से प्राप्य है, फील्ड में आपको मिल जाएगी, क्रीपर है, रेलवे क्रीपर, और इसकी चटनी बना करके आप प्रयोग करें। और बनी बनाई औषधियां आपको प्रयोग करना है तो जैसे मेमोडिन मैंने आपको बताया उसमें ये चारों औषधियां हैं। इस प्रकार से मेध्य रसायन का आप प्रयोग करें तो आप अपनी इंटेलेक्ट को बचा सकते हैं। इसी प्रकार से दसों दशकों में जो औषधियां दी गई हैं उनका प्रयोग करके हम कंप्लीट हेल्थ अपने आप को मेंटेन 100 साल तक रख सकते हैं। अब आता है रसायन। रसायनों को जैसे मैंने कहा कि रसायन काम क्या करता है, दे इंप्रूव योर स्ट्रेंथ, दैट इज फिजिकल स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ, इसको बढ़ाने के लिए रसायन काम करते हैं। और कैसे काम करते हैं, एक तो डायरेक्टली बाई एनरिचिंग योर रस धातु, जैसे द्राक्षा, दुग्ध, घृत। दूसरे होते हैं बाई इंप्रूविंग द स्टेटस ऑफ द अग्नि, आपके पाचन के स्तर को, मेटाबॉलिज्म को, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को सही करके, जैसे पिपली। और तीसरा बाई इंप्रूविंग माइक्रो सर्कुलेशन, दैट इज गुग्लू, सूक्ष्म गुण है, माइक्रो सर्कुलेशन को खोलता है जिससे कंप्लीट एनरिचमेंट होता है आपके टिश्यू का, इसलिए यह भी एक रसायन है। इन तीन स्तरों पर रसायन काम करते हैं। और आप देखेंगे कितने उत्कृष्ट चीज हमारे आचार्यों ने लिखी है कि रसायन के गुण क्या है, दीर्घमायु स्मृतिर मेधाम आरोग्यम तरुणम वय प्रभा वर्ण सरोदार्य देहेन्द्रियम बलम परम वाक् सिद्धिम प्रणति कांतिम लभते वा रसायनात्। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप रसायन का प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर, मन, इंद्रिय और सारे के सारे धातुएं पुष्ट होंगे और आपका बॉडीली ग्लो बढ़ेगा, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी, गुड स्लीप आएगी। तो इन रसायनों का ये प्रभाव है, इनको हमें प्रमोट करना चाहिए, हर रोगी को देना चाहिए, वो आज के परिवेश में तो सभी रोगियों को इसका हमें प्रयोग कराना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि प्रकृति निर्धारण पहले आप करें। आप प्रकृति निर्धारण कैसे करें, आप जानते हैं कि प्रकृति का निर्धारण कब होता है, शुक्र सोडितम गर्भाशयस्थम आत्मा विकार प्रतिमूर्छितम। ये क्या होता है, शुक्र सोडितम, शुक्र सोडित संयोगे चे यो भवेद्यो सत्कट है प्रकृति जायते तेन। ड्यूरिंग द कंसेप्शन ड्यू टू द प्रेमिडेंस प्रीडोमिनेंस ऑफ दोस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रकृति इज देयर। तो उसी हिसाब से प्रकृति आपकी बनती है। तो आप एनालाइज करें प्रकृति को अपने प्रोटोकॉल में देख करके और आप उसी हिसाब से रसायन का प्रयोग करें। अगर आप बात प्रकृति के हैं तो बचा, नागबला, बला नागबला और गोघृत, ये आपके लिए सर्वोत्कृष्ट रसायन है। अगर पित्त प्रकृति के हैं तो आंवला, शतावरी और मुनक्का, इन तीन का प्रयोग आप कराएं। और यदि आप कफ प्रकृति के हैं तो पिपली, दालचीनी, काली मिर्च और बचा, गुगलू और भिलावा, भल्ला तक, इनका प्रयोग शुद्ध करके आप करें। ये आपके कफ प्रकृति के लोगों के लिए रसायन है, आज के परिवेश में भी उतने ही लाभकारी हैं। और तीनों दोष की अगर प्रकृति है तो उसके लिए सामान्य रूप से आंवला, तुलसी, गिलोय और मुलेठी, इसका आप प्रयोग करें। अभी मैंने आपको बताया कि स्वर्ण प्राशन, साथियों स्वर्ण प्राशन की जो बात मैंने कही, एक कार्य हुआ, एक प्रवेग कल्प ने एक कैप्सूल बनाया नर्वोकल्प, पहले उसका व्याधि क्षमत योग था नाम। और इसके ऐसे उदाहरण मेरे सामने हैं, ऐसे ऐसी केस रिपोर्ट मैंने पब्लिश की हैं कि जहां पर आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा है उस रोग में आप आंख बंद करके नर्वोकल्प प्रारंभ करिए, आपको रिजल्ट उत्कृष्ट मिलेंगे, क्योंकि इसमें हीरक भी है, इसमें स्वर्ण भी है, रजत भी है, अभ्रक भी है और आपकी जीवनी गण की सारी औषधियां हैं, अष्टवर्ग है, इन सारी चीजों का प्रयोग किया गया है भावना द्रव्य के रूप में और साथ में प्रक्षेप द्रव्य के रूप में। और ये अपने आप में सर्वोत्कृष्ट रसायन है आज के परिवेश में। मैं तो प्रयास कर रहा हूं कि माननीय सचिव आयुष के पास कि कोविड के वो पेशेंट जो एक्यूट इमरजेंसी में है उनके लिए इसको मैं रिकमेंड करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका प्रयोग कराया जाए। आई एम फुली कॉन्फिडेंट दैट दिस नर्वोकल विल बी वेरी इफेक्टिव टू कॉम्बैट द एक्यूट इमरजेंसी ऑफ दीज पेशेंट्स। आई हैव सीन, आई एम हैविंग द वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑन डिफरेंट क्रॉनिक पेशेंट्स। अब हम आते हैं द्विविध रसायन जो आपके बताए, मैंने कहा था कि पुरुषों के लिए अश्वगंधा और स्त्रियों के लिए शतावरी, यह काम्य रसायन है।
अब हम बात करते हैं नैमित्तिक रसायन की। नैमित्तिक रसायन का तात्पर्य होता है रोग विशेष के हिसाब से कौन सी रसायन का प्रयोग किया जाए। जैसे आपका नेत्र रोग है तो नेत्र रोग में मैंने डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट्स में प्योग करवाया सप्ताहृत लोह अखीक पृष्टि, और इसका प्रयोग किससे करवाया, नेत्रामृत कैप्सूल है प्रवेकल्प का। आपको आश्चर्य होगा कि इसके एक्सपेरिमेंटल रेट्स में और साथ साथ में हमारे फिजिकल हमारे पेशेंट्स में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, इसका पेपर भी पब्लिकेशन हुआ है। दूसरा हृदय रोग के रोगियों के लिए रसायन क्या है, अर्जुन और पुष्कर मूल। एक अर्जुन टी हम लोगों ने बनाया है जो कि R&D में है, अभी मार्केट में नहीं आई। उसमें अर्जुन के साथ में 17 अन्य औषधियां हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करती हैं, डिसलिपिडिमिया को भी दूर करती हैं, ठीक करती हैं, करेक्ट करती हैं, और ये हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है। इसमें मूल रूप से अर्जुन और पुष्कर मूल है। टीबी के पेशेंट्स के लिए पिपरी क्षीरपात और रसौन क्षीरपात दोनों दिए जाते हैं। पांडु के पेशेंट के लिए चुकंदर, पांडु मीन्स एनीमिया, चुकंदर पालक और अनार का प्रयोग करें। श्वास के रोगी के लिए श्रीस और हल्दी, श्रीसो विषग्ना नाम, श्रीस इज सपोज टू बी वंडरफुल एंटी एलर्जिक ड्रग, सिमिलरली हल्दी इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एलर्जिक सिम्टम्स। तो हल्दी और श्रीस का प्रयोग किया गया, श्रीषादि कसाई के ऊपर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वर्क हुआ और बहुत ही इफेक्टिव मिला। गठिया के लिए कुपीलू और भल्ला तक, अमृत भल्ला तक का प्रयोग किया गया और कुपीलू के तमाम द्रव्य का प्रयोग किया गया। डायबिटीज के लिए शिलाजीत आंवला और हल्दी, और COVID-19 के लिए एक कॉम्बिनेशन हम लोगों ने बनाया हुआ है, उसका नाम है इम्यूकल। अभी हमने प्रपोज किया है R&D में, ये जो है प्रवेकल को दिया गया है, अगर ये तैयार होता है तो इसे भारत सरकार में हम लोग भेजने वाले हैं। इसके अंदर 18 औषधियां हैं जिनमें मुख्य औषधियों के नाम है मैं आपको भी बता दे रहा हूं कि जो आंवला, अश्वगंधा, गिलोय, पिपली, मुलेठी, तुलसी, दालचीनी और हल्दी, इस प्रकार से 18 औषधियां हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और साथ साथ में आपको च्यवनप्राश के बारे में सब लोग जानते हैं कि च्यवनप्राश के लिए कहा भी गया, हमारी एडवाइजरी में भी कहा गया, और ये कहा गया कि च्यवनप्राश से उत्कृष्ट कोई रसायन नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो कि डायबिटिक्स हैं और जिनको कि फैट के लिए परेशानी है, तो ऐसे पेशेंट जो च्यवनप्राश नहीं खाना चाहते, उनके लिए एक बहुत बड़ी डिमांड के बाद एक कैप्सूल तैयार किया गया जो 48 हर्ब्स हैं उनका एक्सट्रैक्ट निकाल करके जो च्यवनप्राश में पड़ते हैं, वो कैप्सूल प्रवेक प्राश। दिस कैप्सूल प्रवेक प्राश इज इक्वली इफेक्टिव इन द फॉर बूस्टिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो पेशेंट च्यवनप्राश नहीं ले सकते वो आपका प्रवेक प्राश का प्रयोग कर सकते हैं, ये बहुत लाभकारी है। और दूसरी बात, एक रजत प्राश विशेष रूप से बच्चों को लॉकडाउन पीरियड में उनकी इम्यूनिटी भी बढ़े और साथ साथ में उनकी ब्रेन पावर भी बढ़े। सिल्वर को एडिशनली यूज करके कुछ कॉम्बिनेशन में चेंज करके रजत प्राश भी मार्केट में है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, ये बहुत लाभकारी है। एक बात, आरोग्य भारती के हमारे एक मित्र जो आपके लखनऊ में है, तिवारी जी, उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने चर्चा किया तो हमने ये सजेस्ट किया, मैं भारत सरकार को भी लिख के देने वाला हूं कि कोविड के जो पेशेंट्स आपके भर्ती हैं, यदि वो औषधि के रूप में दवाई हमारी प्रयोग नहीं करना चाहते वहां, तो उनको चटनी के रूप में आंवला, तुलसी, पिपली, काली मिर्च, दालचीनी और सेंधा नमक, इसको मिला के चटनी बना करके प्रयोग करें, तो दिस चटनी विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव टू बूस्ट अप द इम्यून सिस्टम, और दिस कैन बी गिवन विद द फूड टू दोज पेशेंट्स। तो इस प्रकार से और जो अन्य बनी हुई औषधियां हैं मार्केट में, उनमें आप देखते हैं कि इसके लिए मैंने प्रवेकल्प से कहा है कि चाय इज द कॉमन फॉर्म, हर आदमी चाय यूज करता है, तो जो इम्यूकल्प मैंने बताया उसकी इम्यूकल्प टी भी बन सकती है, और इसके हम वो भी बना सकते हैं, पाउच बना सकते हैं, पैकेट बना सकते हैं, कैप्सूल बना सकते हैं, उसका हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी मार्केट में आए और सामान लोगों को मिले। साथ साथ में अंत में जुनेजा जी 2 मिनट और दे सकते हैं, जुनेजा जी। यस सर। अंत में मैं एक लाइफ स्टाइल प्रपोज करना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपने बातों को विराम दूंगा। पहला, आप ब्राह्म मुहूर्त में उठें, उषा पान करें, तांबे के बर्तन में रखे हुए जल को पिए,
दंत धावन करें और दंत धावन में भी ध्यान रखें कि ये ब्रांडेड ये जो आपके जो मंजन है उनका प्रयोग न करके आपको दंत धावन में बबूल, महुआ, करंज और नीम इन चार की दतौन का जो प्रयोग करें, ये चारों इंग्रेडिएंट जिस दतौन के मंजन में हो उनको आप प्रयोग करें। अणु तेल का नश लें, तिल तेल गोघृत का गंडूस धारण करें, साप्ताहिक रूप से कुंजल क्रिया करें, नमक का पानी पीने के बाद आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे वो करेंगे, उसके बाद में आप देखेंगे आपको अपने आप ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस वॉमिटिंग होगी, इससे आपका स्टमक साफ हो जाएगा और आपकी डाइजेस्टिव पावर बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और आपको नियमित योगाभ्यास करें स्नान करने के बाद, और योगाभ्यास में मुख्य रूप से सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन में किसी में वज्रासन में बैठ जाएं, सबसे पहले अनुलोम विलोम करें, और अनुलोम विलोम करने के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम, इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को हम सदाबहार प्राणायाम कहते हैं। इसका रेशियो होता है 1:2:4, 1:4:2, इनहेलेशन 5 तक गिनती गिनते हुए लीजिए, 20 तक गिनती गिनते हुए उसको रोकिए और 10 तक गिनती गिनते हुए छोड़िए, इसको हम कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूं 25, 100, 50, 25 तक गिनती गिनते हुए सांस लेना, 100 तक रोकना और 50 तक गिनती गिनते हुए सांस को छोड़ना। देन कपाल भाती, ये आपके विशेष रूप से COVID-19 के प्रिवेंशन के लिए बहुत आवश्यक है, इसका प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। उसके बाद सामान्य एक्सरसाइजेज में तीन तरह की एक्सरसाइजेज का विशेष ध्यान रखें, फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ स्पाइनल कॉलम, बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ स्पाइनल कॉलम एंड साइडवर्ड बेंडिंग ऑफ स्पाइनल कॉलम, क्योंकि स्पाइनल कॉलम की इलास्टिसिटी ही आपकी एक्टिविटी और आपकी इम्यून पावर को बताती है। आपकी लाइफ में कितनी अलर्टनेस रहेगी ये आपकी इसकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए आपको कुछ आसन ऐसे जो फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए है, कुछ बैकवर्ड बेंडिंग के लिए है, कुछ आपकी साइडवर्ड बेंडिंग के लिए है, ग्रीवा चालन करें इसके बाद, और ग्रीवा चालन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, स्कंद चालन करें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर आपका गोमुखासन करें और सूक्ष्म व्यायाम कलाई का करें, कुरपर का करें और उंगलियों का करें, उसके बाद त्राटक करें, योग मुद्रा करें और फिर बटरफ्लाई करें और अर्ध मत्स्येन्द्र आसन करें। ये बैठे हुए आसन है और बैठने के बाद में पहले बैठने में ही एक पश्चिमोत्तानासन और क्वाड्रिसेप्स ड्रिल और उंगलियों का, पैरों का और पंजे का पूरा एक्सरसाइज करें, लघु व्यायाम, और भुजंगासन में लेट जाएं, उसके बाद में धनुरासन करें और सीधे लेटने के बाद सलभासन करें, पवन मुक्तासन करें, मत्स्यासन करें, सर्वांगासन करें, अंत में मकरासन करने के बाद शवासन का अभ्यास करें। इन आसनों से करने से हम पूरे विश्वास के साथ आपको बताना चाहते हैं कि निश्चित रूप से आप अपने इम्यून सिस्टम को इतना बूस्ट कर लेंगे कि आपको किसी प्रकार के वायरस और किसी पैथोजेंस की बीमारी का खतरा नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पेशेंस हियरिंग के लिए अभी सभी आयुर्वेद प्रेमियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और डॉक्टर जुनेजा जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों के बीच में लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर अगेन, आपका बहुत अच्छा आज डिस्कशन रहा और काफी कुछ नया हमें जानने को मिला। अभी ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको क्विकली हम लेते हैं। सर एक क्वेश्चन आया है, रजत प्राश और चवन प्राश में जैसे आपने डिफरेंस बताया तो काफी डॉक्टर्स पूछ रहे हैं कि थोड़ा सा उस पर क्लैरिफाई करें कि रजत प्राश का और चवन प्राश का क्या डिफरेंस। रजत प्राश की थोड़ी डोज भी और एडल्ट में 1 teaspoonful ट्वाइस डेली यूज, एक चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं बड़े लोग, और बच्चों में आधा चम्मच से अधिक प्रयोग न करें। छोटे बच्चों को भी चटा सकते हैं, जो आपके बच्चे 2 साल के हैं, 3 साल के हैं उनको भी चटा सकते हैं, और 10 साल से 12 साल के बच्चों को आधा चम्मच दे सकते हैं। यस राइट सर। एक क्वेश्चन है एक डॉक्टर का रिगार्डिंग हीरक भसम, हीरक भसम के बारे में रिसर्च और उसको कैसे यूज कर सकते हैं इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आपको मैं बताऊं बेसिकली कि हीरक भस्म
स्वर्ण भस्म दीज ड्रग्स आर नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन द बॉडी दे विल एक्ट एज एन एडजुवेंट नॉट ओनली एडजुवेंट कैटलिस्ट कैटलिस्टिक फंक्शन है आपके इम्यून सिस्टम को झकझोर देते हैं और आपके इम्यूनिटी के पावर को बढ़ाते हैं विशेष रूप से कैंसर के पेशेंट्स में मैंने विशेष प्रयोग किया इसका नर्वोकल का लेकिन मैंने विशेष रूप से उन रोगियों को दिया जिनकी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज थी फॉर एग्जाम्पल एक डायबिटिक पेशेंट जिसका भी बोन हील नहीं हो रहा था बेड सोर्स हो रहे थे और पेशेंट वाज एजिंग अबाउट 85 or 90 ऐसी कंडीशन में इसको देने के बाद देखा मैंने कि वही दवाइयों को प्रभाव में कर रहा था उन दवाओं के साथ नर्वोकल प्रयोग किया तो बोन हीलिंग होना शुरू हो गई तो दिस हीरक भस्म स्वर्ण भस्म इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी इट विल एक्ट एज कैटलिस्ट ये कैटलिस्ट के रूप में शरीर में प्रभाव करते हैं और शरीर को लाभ पहुंचाते हैं यस राइट सर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग डाइट जब आपने हमें गाइड किया तो उसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स कर्ड उन सब से रिलेटेड थोड़ा सा और क्लेरिफिकेशन फ्यू डॉक्टर्स आर आस्किंग तो उसके बारे में थोड़ा सा और क्लियर करें कि कौन-कौन से मिल्क प्रोडक्ट्स लेने चाहिए कौन से नहीं लेने चाहिए आज के सीजन या इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और किस हिसाब से लेने चाहिए देखिए आपको विशेष रूप से जिन लोगों को मैं तो ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को दूध से एलर्जी भी है बच्चे दूध तो बहुत आवश्यक है मिल्क तो बहुत आवश्यक है मिल्क में आपको विशेष रूप से बचाना यह है कि मिल्क के द्वारा बने हुए प्रोडक्ट की प्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप दूध और दही किसी को साथ में है दही का प्रयोग करें दूध अगर साथ में है तो दूध का प्रयोग करें और साथ साथ में दूध अगर साथ में नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक प्रोसीजर मैंने आपको बताया मैं आपको बताना चाहता हूं कि पादांशिक क्रम है हमारे आचार्य भागवत का जिन बच्चों को दूध साथ में नहीं आता था उन बच्चों को मैंने ड्रॉपर से दूध पिलाना शुरू किया और 3 to 4 months के अंदर में वो बच्चे आधा आधा एक एक लीटर दूध पीने लगे कोई साइड इफेक्ट आपको सिम्टम नहीं मिला तो दूध का प्रयोग आप कर सकते हैं प्रोवाइडेड अगर गोदुग्ध मिलता है तो गोदुग्ध से उत्तम कोई भी नहीं है गोदुग्ध का प्रयोग करें और आप पॉस्चराइज मिल्क जो आपको मिल रहा है तो उस पॉस्चराइज मिल्क को आप प्रयोग करेंगे ही क्योंकि और कोई विकल्प आपके सामने नहीं है तो दुग्ध अगर आपको सूट नहीं करता तो सूट करने के लिए मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे करके इसका प्रयोग करें सूट करेगा दूध और दही का प्रयोग करें पनीर और अन्य चीजें जो इससे बनी हुई होती हैं उनका आप इस समय प्रयोग कम करें तक्र ले सकते हैं तक्र लाभकारी है ओके थैंक यू सर अभी हमने अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर भी चैट में पोस्ट किया है मैनी डॉक्टर्स आर आस्किंग हाउ टू गेट कनेक्टेड अभी आई अंडरस्टैंड कि ऑल ऑफ यू आर हैविंग सम चैलेंज इन टर्म्स ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट्स अगर हम बात करते हैं प्रवेक कल्प और प्रवेक कंपनी की तो मैं भी पर्सनली क्लिनिक में काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ अगर एक क्वेश्चन आ रहा है और एक इशू आ रहा है काफ़ी डॉक्टर्स के साथ शायद वो भी कनेक्टेड नहीं है प्रवेक कंपनी से तो अभी हमने एक नंबर और ईमेल आईडी आपको पोस्ट किया है आप प्लीज उसको नोट कर लें सेव कर लें और आपकी सिटी लोकेशन एरिया जहां पर भी आप चाहते हैं आप हमें रिक्वेस्ट करें हम कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स तक आपका मैसेज कन्वे कर देंगे एंड वो आपको अवेलेबल करा सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट जो आपको अपने क्लिनिक या सेंटर्स के लिए चाहिए सर एक क्वेश्चन और आ रहा है कुछ डॉक्टर्स का जी दे आर आस्किंग अबाउट कालमे का एक तो कुछ एक दो डॉक्टर्स ने पूछा है कालमे का लीवर डिसऑर्डर में क्या रोल है और उसको कितने टाइम तक हम दे सकते हैं सेकंड एक काफी डॉक्टर्स आपकी बुक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी कौन कौन सी बुक्स है और कैसे लास्ट सेशन में भी आपने कुछ गाइड तो वो सारा सर थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई करें और ये कालमे के लिए स्पेसिफिकली एक तो डॉक्टर्स की क्वेरी आई है फॉर लीवर डिसऑर्डर्स राइट मैं आपको बताऊं एक मेरी किताब है क्लिनिकल हेपेटोलॉजी ऑफ हार्वे तो वो किताब पब्लिकेशन में आपको शेयर कर दूंगा तो आप बता सकते हैं दूसरी बात कालमेघ कुटकी भृंगराज भुईआंवला गुरुचि पुनर्नवा नवाइस लौह इस कॉम्बिनेशन से एक दवाई प्रवेक लिप बनाई गई है और ये प्रवेक लिप के बारे में आप देखिए कि इसके बारे में इंटरनेशनल सेमिनार्स में इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी हुआ है कि HBS AG पॉजिटिव हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स का 76% क्योर रेट मिला आपको ये पब्लिकेशन गूगल पे मिल जाएगा आपको तो
आपको कालमेघ इज वन ऑफ द टेक्टोनिक इज अ वंडरफुल ड्रग और कालमेघ और किरात के दो प्रांत होते हैं, कालमेघ है एंडोक्राइन टेनिकुलेटा और किरात टिकता है सरसिया चिरायता। ये दोनों ही द्रव्य लाभकारी हैं लिवर डिजीज के लिए और कालमेघ बहुत इफेक्टिव है। कालमेघ को हम प्रयोग कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक, कोई इसका नुकसान नहीं है, कोई हार नहीं है। यस सर, बुक्स वो बुक्स क्लिनिकल हेपेटोलॉजी डायबिटीज और ग्रेसफुल एजिंग हमारी 5-6 किताबें हैं, उन किताबों को मैं आपकी साइट पे डाल दूंगा, इंडियन वैद्यास पे मैं डाल दूंगा, इंडियन वैद्यास से आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सर सो मच, वी विल बी ऑनर्ड टू हैव योर नॉलेजेबल बुक्स एंड हम इसको कोशिश करेंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं तो हम सारे डॉक्टर्स को इसके एक्सेस देंगे, हम सर की बुक्स को ई बुक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड ऑल डॉक्टर्स कैन एक्सेस एंड वो हम सर से उसका डिस्कशन करके वी विल एंश्योर दैट आपके लिए वो अवेलेबल रहे। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इनिशिएटिव। थैंक यू डॉक्टर जुनेजा फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए वंडरफुल इवेंट और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को, आपके कितने पार्टिसिपेंट जुड़े आपके? सर अराउंड 100 हो गए थे अभी, आई थिंक सब जाना शुरू कर रहे हैं बिकॉज 1.5 घंटा हो गया है तो आई थिंक अभी ऑलरेडी अप है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्विकली किसी डॉक्टर का कोई क्वेश्चन है क्लेरिफिकेशन रह गया तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन एज मेनी डॉक्टर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड नाउ, तो क्विकली अगर किसी का कोई और फर्दर क्लेरिफिकेशन है तो प्लीज पोस्ट योर क्वेरी। सर कालमेघ के ऊपर ये पूछा जा रहा है कि डायबिटीज में भी उसको यूज कर सकते हैं क्या? यस डायबिटीज में, यस इट कैन बी रन फॉर डायबिटिक्स इवन नॉट ओनली फॉर डायबिटीज। कालमेघ को हम यूज कर रहे हैं अपने इम्यूकल्प जो फॉर्मुलेशन हम बना रहे हैं उसमें कालमेघ को यूज कर रहे हैं, कालमेघ डायबिटीज में भी यूज होता है, कालमेघ इक्वली इफेक्टिव इन डायबिटीज। राइट सर, 1 ईयर के बच्चे 1 ईयर के किड के लिए पूछा गया है क्वेश्चन कि रजत प्राशिया जो आपने सीरप बताया है अभी मेमोडिन सीरप, उसको मेमोडिन सीरप 1 ईयर के मेमोडिन सीरप दें 1 ईयर के बच्चे को भी दे सकते हैं सर? यस मेमोडिन सीरप आराम से दे सकते हैं आप और 1 ईयर के बच्चे को मेमोडिन सीरप देना है तो आप हाफ कहना चाहिए आपको 1 ml तक दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 ml 1 ml ड्रॉपर से दे सकते हैं और अगर चवन रजत प्रास चटाना है तो कोई हार्म नहीं है, रजत प्रास कैन बी गिवन, बोथ कैन बी गिवन टू द पेशेंट। राइट सर राइट, आई थिंक थैंक यू सो मच ऑल द डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स ने डायबिटीज पे क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए तो आई रिक्वेस्ट, ऑलरेडी सर का एक काफी एग्जॉस्टिव सेशन हमने किया था डायबिटीज पे, आप लोग उसका यूट्यूब पे लिंक चेक कर सकते हैं, अभी तक हजारों डॉक्टर्स ने उसको देखा है और उससे फायदा लिया है एंड वी विल बी इनवाइटिंग सर ऑन कंटिन्यूअस बेसिस इन फ्यूचर एज वेल, ऑलरेडी वी आर हैविंग 1.5 hours नाउ टाइम लिमिट एंड मेनी डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीड फॉर देयर फर्दर एस्पेक्ट्स एज वेल। अगेन आई थैंक डॉक्टर तोमर फॉर हिज एक्सीलेंट टॉक एज यूजुअल, हमें काफ़ी सीखने को मिला सर के इंफॉर्मेटिव सेशन से एंड हमने लास्ट टाइम भी सर को फादर ऑफ मॉडर्न डायबिटीज इन आयुर्वेदा की उपाधि से शोभित किया था जो हमने वो सेशन सुना और आज के सेशन के बाद एक करके सर के टैग्स बढ़ते जाएंगे बिकॉज अगर हम इम्यूनिटी की बात करें और आयुर्वेदा प्रस्पेक्टिव की बात करें तो इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन मैंने तो अभी तक नहीं अटेंड किया है, सो पर्सनली आई थैंक अगेन डॉक्टर तोमर फॉर गिविंग हिज वैल्यूएबल टाइम, वी नो दैट यू आर सो मच ऑक्यूपाइड एंड इन्वॉल्व इन several other activities as well. We also thank the Pravek team to supporting us today and for having these excellent products. Hum sabko ye samajh